23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिल के उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने ये स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज टू लाया गया है। पैकेज टू में कुल मिला के 23,000 करोड़ रुपीज़ का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिल के उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीज़ दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीज़ निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें, एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। क्या हम टेलीमेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते, क्या हम टेली कंसल्टेशन नहीं कर सकते, उसके लिए एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये सारी पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन जब स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए जाए तब सभी स्टेट में अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग सैलरी होती है। हमने प्रावधान रखा है कि अगले दिनों में 9 महीने तक, मतलब जुलाई टू मार्च तक, देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में जेएनएम स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग में स्टडी करता हो, ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। उसके उपरांत देश में 736 डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। हर स्टेट में पीएससी और सीएससी लेवल पर हम बेड निर्माण कर सके, उसके लिए 2,44,000 बेड बनाने की व्यवस्था और उसका प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। 20,000 ICU बेड निर्माण करने के लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है, और उसमें 20% बच्चों के लिए विशेष हो, उसका हाइब्रिड यूज हो सके, बच्चों पेशेंट के रूप में आए तो वो ICU में उसके लिए भी उपयोग हो सके और बड़े लोग आए उसके लिए भी उपयोग हो सके, ऐसा हाइब्रिड व्यवस्था खड़ी करने के लिए भी हमने उसमें प्रावधान किया है। कुल मिला के
कभी आवश्यकता हो जाती है, कोई क्षेत्र में बढ़ गया, महामारी बढ़ी, तो उसके लिए हमें एक बड़ी साइज का फील्ड हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता हो गई, तो उसके लिए भी 5000 बेड और 2500 बेड ऐसा करके 100 और 50 यूनिट में हम बना सके, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इस बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड जिस तरह से बढ़ी, कई लोकेशन पर प्रोडक्शन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आई, तो ऐसी स्थिति भविष्य में निर्माण न हो जाए उसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10,000 लीटर क्षमता की व्यवस्था, हमने स्टोरेज क्षमता की व्यवस्था हर डिस्ट्रिक्ट पर 10,000 लीटर स्टोरेज की व्यवस्था हो, ये 9 महीने में हमें सारी व्यवस्था करें, जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो जाए तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सके। जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाना होता है, जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, उसके लिए भी हमने इस पैकेज में व्यवस्था की है। कुल मिला के मेडिसिन की भी किल्लत ना हो जाए, सेंट्रल लेवल पर भी बफर स्टॉक के लिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 1 करोड़ रुपीज़ की मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोक्योर करके बफर स्टॉक कर सके, ऐसी भी व्यवस्था इस पैकेज में की गई है। कुल मिला के भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से और योजना पूर्वक कर सके, इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा और भविष्य में कोविड की जो स्थिति बढ़े तो उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे।